नाई न्यूज एसपी नाई न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। बिहार में नीतीश कुमार ने कर दी एक बड़ी गलती जिसका भुगतान एनडीए को इस बार भुगतना पड़ रहा है। बता दें आपको 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ मिलकर 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने की शपथ यहाँ पर खाई थी, लेकिन इस बार एनडीए को यहाँ पर कहीं ना कहीं ये महसूस होने लगा है कि इस बार नीतीश कुमार के साथ जुड़कर उन्होंने एक बड़ी गलती यहाँ पर कर दी है, या यूं कह लीजिए कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है इस बार एनडीए और भाजपा ने यहाँ पर। बता दें आपको नीतीश कुमार जिस तरीके से यहाँ पर अटपटे बयान दे रहे हैं, जैसे कि उन्होंने यहाँ पर ये बात कही थी कि जब उनको यहाँ दिल्ली बुलाया गया था पीएम मोदी से मिलते नजर आए थे, तब नीतीश कुमार ये कहते नजर आए कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम एनडीए के साथ रहेंगे। तो देखिए उससे पहले भी नीतीश कुमार ऐसे बयान काफी बार देते नजर आए हैं जिसमें वो ये भी कहते नजर आए थे कि मर जाएंगे लेकिन उनके साथ नहीं जाएंगे। इस बयान को अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार को मर जाना चाहिए क्योंकि वो फिर एक बार एनडीए के साथ जुड़ चुके हैं। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा था कि उनके लिए भाजपा के दरवाजे बंद हैं और अब फिर नीतीश कुमार अपना बयान देते नजर आए हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे। अगर नीतीश कुमार को लोकसभा चुनावों में भाजपा से फायदा नहीं मिलता है तो हो सकता है नीतीश कुमार अगले ही दिन यहाँ पर बाजी पलटते नजर आए। वैसे भी उनका नाम यहाँ पर पलटू राम रख ही दिया है। तो देखिए यहाँ पर ये बात देखी जा रही है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए गले का फंदा बनते नजर आ रहे हैं। वैसे भी यहाँ पर एनडीए जो है भारतीय जनता पार्टी जो है नीतीश कुमार को लोकसभा में कितनी सीटें यहाँ पर देगी इस पर बहुत ही बड़ा विचार विमर्श हो रहा है, बैठकें यहाँ पर चल रही है क्योंकि नीतीश कुमार ऐसे नहीं मानने वाले। यहाँ जेडीयू पार्टी के नेता और विधायक यहाँ अपनी मनमानी करते नजर आएंगे और अगर उनकी मनमानियों को पूरा नहीं किया जाएगा तो हो सकता है फ्लोर टेस्ट वाले दिन ही यहाँ पर सरकार गिरती नजर आए। बता दें आपको बिहार में 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट है और नीतीश कुमार को बहुमत साबित करनी है। अगर नीतीश कुमार बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आरजेडी की सरकार बनती नजर आ सकती है और अगर आरजेडी की सरकार बनती है तो नीतीश कुमार फिर से एक बार पलटी मारते नजर आए। क्या लगता है आपको बिहार की सियासत को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और देखते रहिएगा एसपीएन9 न्यूज। धन्यवाद।